morning, 9 o'clock. You said you'll get people. आप भी हैं खड़ा कर दिया जाए तब से भी खड़े रहेंगे आप. वेलकम दोस्तों, ये वीडियो है दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां पर लोगों से उनके पासपोर्ट ले लिए गए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पे उनको बिना टेस्ट के एंट्री नहीं दी जा रही है। इंडिया की तरफ से एक सख्त कदम जरूर है, लेकिन लोगों में इस चीज को लेकर काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे भी एक वीडियो खूब शेयर की जा रही है। इस वक्त बताया जा रहा है इस वीडियो में कि वीडियो इटली की है और वहां पर लोगों को कोरोना वायरस का इतना जबरदस्त वायरस अटैक किया हुआ है इस वक्त कि उनको प्लेन से उतार दिया गया है, प्लेन को टेक ऑफ नहीं करने दिया जा रहा है और ना ही उनको कंट्री में एंट्री मिल रही है। जी हाँ, ये वीडियो ऐसा बताया जा रहा है कि इटली की है, लेकिन इस चीज के पीछे रिसर्च होनी जरूरी है कि ये वाकई क्या इटली की है कि नहीं। दिखाते हैं आपको छोटी सी क्लिप। आगे बात करेंगे चेन्नई में हो रहे इस वक्त सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी पर जो प्रोटेस्ट को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि उनको प्रोटेस्ट रोक देना चाहिए इस कोरोना वायरस के डर से, लेकिन वहीं ज्यादा से ज्यादा तादाद में चेन्नई में इस वक्त प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिखाना चाहेंगे आपको एक छोटी सी क्लिप। बंगाल में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ कोरोना वायरस को लेकर के, जहां पर लोगों ने गौमूत्र को लोगों को पिलाया। वहीं एक खबर आ रही है कि गाय मूत्र को पी करके कुछ लोग बीमार भी पड़े और बंगाल की गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया जो ऐसे इवेंट्स में हिस्सेदारी ले रहे थे और खुल करके गौमूत्र का प्रचार कर रहे थे कोरोना वायरस की दवा बताते हुए। लेकिन सोशल मीडिया में इन चीजों को रोकना मुश्किल है। वहीं पर कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां पर पंडित जी ये बता रहे हैं कि कोरोना वायरस का इलाज मिल चुका है और वो इलाज मूत्र में है। जी हाँ, ये बयान आपको दिखाना चाहेंगे इस छोटी सी क्लिप में। आज कोरोना वायरस को लेकर जो भय का मोहर बना हुआ है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है देशवासियों को। इसका उपाय हमने ढूंढ लिया है, इसका उपाय है हमारे हाथ में गौमूत्र। गौमूत्र का इस्तेमाल करने से कोसों दूर रहेगा कोरोना वायरस। आज अवेयरनेस की जरूरत है, जागरूक रहने की आवश्यकता है। ये कोरोना वायरस कहां से आया मैं आपको बताता हूं। पहले हम पीड़ित थे, जो जिस देश ने कोरोना वायरस फैलाया है वो पाकिस्तान है। उनके सैनिकों में कोरोना वायरस था, उनका दिमाग खराब था, वो गोलियां चला रहे थे हमारे सैनिकों पे। आज पाकिस्तान के गधों से ये वायरस गया है चाइना। वहां चाइना के लोग जो है गधों को ले जाकर तस्करी कर रहे थे, उसका मांस खा रहे थे, तो इसीलिए ये कोरोना वायरस उन पाकिस्तान के गधों से गया है। पंडित जी के बयान के मुताबिक कोरोना वायरस पाकिस्तान से होकर के वुहान शहर में गया है, लेकिन वर्ल्ड मीडिया की तरफ से वुहान से दुनिया में फैला। रही बात गौमूत्र को पी करके कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने की, तो अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी इलाज नहीं मिल पाया है, ना ही अभी तक इसकी कोई टैबलेट और वैक्सीन तैयार की गई है। दुनिया अभी भी इस बीमारी से परेशान है। वहीं कुछ पंडित जी ऐसा बयान करने से नहीं थकते कि गौमूत्र में कोरोना वायरस का इलाज है। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और मेहरबानी करके गौमूत्र में कोरोना वायरस का कोई भी इलाज नहीं है, ऐसे वाहियात बयानों से जितना हो सके दूर रहें। अपना ख्याल रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें जितना हो सके इस बीमारी से बचने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।